नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान लगातार जारी है। बस कुछ देर बाद एकनाथ शिंदे बात कर सकते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सूरत से वो उद्धव ठाकरे को जवाब दे सकते हैं। थोड़ी देर पहले ठाकरे ने करीब 20 मिनट बात की महाराष्ट्र की जनता से, इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा कि अगर विधायक मिलकर कहते तो वो अपना पद छोड़ देते, उन्हें सीएम पद का लालच नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बागी विधायकों ने बात नहीं की, उन्होंने सीधे बगावत का रास्ता अपना लिया। उन्होंने कभी इस बारे में बताया नहीं, जबकि एकनाथ शिंदे से लगातार उनकी तरफ से बयान आता रहा है कि हमने कई बार उद्धव ठाकरे को संपर्क करने की कोशिश की, हमें हर बार लंबा इंतजार किया जाता था। आरोप ये भी लगाए गए कि एकनाथ शिंदे के कामों की फाइलें भी कई बार अटकाई गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बार कहा है कि मैं कुर्सी से चिपक कर रहने वाला इंसान नहीं, अगर विधायकों ने मिलकर कहा होता तो मैं सीएम पद छोड़ देता। उद्धव जी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहे आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको, ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।